कैसे हो दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे अगर आप अपना वाईफाई का पासवर्ड भूल जाते हैं तो कैसे हम एक छोटी सी ट्रिक को यूज करके हम वाईफाई का पासवर्ड वापस पता लगा सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और CMD टाइप करेंगे। CMD टाइप करते ही कमांड प्रॉम्प्ट करके एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाकर हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे। सामने एक ब्लैक कलर का विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम टाइप करेंगे netsh स्पेस WLAN स्पेस शो। क्या करना है, सबसे पहले हमें उस प्रोफाइल को शो करना है जिस नाम से हमारा वाईफाई आ रहा है, प्रोफाइल, और एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे शो करेगा आपको कि आपके यहाँ पे हुआवे P20 Lite नाम से एक वाईफाई आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इस प्रोफाइल का हमें पासवर्ड चाहिए। तो इसके लिए हम क्या टाइप करेंगे, अगेन सेम वही टाइप करेंगे netsh स्पेस WLAN। अब हमें क्या करना है, वो जो की है उसको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट प्रोफाइल। अब हमें कोई ना कोई एक लोकेशन देनी होगी जहां पे हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे पहले फोल्डर इक्वल्स टू सी ड्राइव ले लेते हैं, कॉलन बैकस्पेस स्पेस देंगे। अब हमें पासवर्ड चाहिए तो उसके लिए हम की टाइप करेंगे इक्वल्स टू क्लियर और एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इंटरफेस प्रोफाइल, हुआ वे जो प्रोफाइल नेम था उसका जो फाइल है, हमारा जो पासवर्ड था वो सक्सेसफुली वहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया है। तो अब हम सी ड्राइव पर जाएंगे। सी ड्राइव पर डायरेक्ट जाने के लिए विंडो प्लस ई भी प्रेस कर सकते हैं या फिर स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, माय कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और सी ड्राइव में जाएंगे। जैसे ही करेंगे यहाँ पे अब एक फाइल आ गया है, देखिए उस वाईफाई नेम से आ गया है। तो इसे हम डबल क्लिक ना करके हम उसको राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद में जाएंगे। नोटपैड पे ओपन करना है दोस्तों, याद रखना। तो यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है की मटेरियल, हमें की चाहिए था। की मेटल के आगे आप देखेंगे पासवर्ड आ गया है न्यू ईयर 2022। और देखा दोस्तों कैसे हम एक छोटे से ट्रिक को यूज करके जिस वाईफाई का हम पासवर्ड भूल गए थे उस वाईफाई का पासवर्ड पता कैसे लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अन्य लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारी नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।